8 साल बाद वेद पुणे आया था। शायद वो कभी वापस नहीं आता, पर एक ईमेल उसे वापस खींच लाया था। योर बेस्ट फ्रेंड अंकल अमर इज नो मोर, रिगार्ड्स नताशा। सब कुछ एक झटके में उसके सामने आ गया था। अमर अंकल उसके बेस्ट फ्रेंड केयर टेकर, और नताशा जिसका नाम सुनते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। वेद एक्चुअली उनका नेबर था। बचपन में ही उसके मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से अमर अंकल ने उसका ख्याल रखा, बहुत अच्छे से देखभाल की उसकी। दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, ना अंकल उसकी बात को टालते और ना ही वो। वैसे बेस्ट वाली फ्रेंडशिप तो उसकी नताशा के साथ भी थी। नताशा अमर अंकल की बेटी। वेद और नताशा साथ में स्कूल जाते थे। कब बड़े हुए, कब एक दूसरे से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। कॉलेज खत्म होते ही दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपना प्यार नहीं छुपाएंगे। वेद अंकल को सब सच बता देगा और नताशा तो थी सब संभालने के लिए, तो सब प्लान था। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। वेद, तुम आ गए। अपने ख्यालों में खोया हुआ वेद नताशा को सुन नहीं पाया। वेद, अरे ओके, तुम ठीक हो? आई एम फाइन नैट्स, आई मीन नताशा। वेद प्यार से नताशा को नैट्स करके बुलाया करता था। नताशा अचानक चौक सी गई। बिलीव नहीं होता अंकल इज नो मोर, वेद ने नताशा से कहा। नताशा के दिमाग में फिलहाल कुछ और ही चल रहा था कि वेद क्यों चला गया था उसे छोड़ के। फिर भी उसने उसके सवाल का जवाब दिया, हार्ट अटैक। काफी सालों से ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। कई बार सोचा तुम्हें बुला लूं, पर वो मना कर देते थे। जाते जाते ही गेमी और ईमेल आईडी और बोला इन्फॉर्म हिम। वेद, तुमने एक मुझसे वादा किया था, रिमेंबर, कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ किया था एक्चुअली। वेद कुछ कहना चाह रहा था और नताशा ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुमने शादी की वेद? नहीं, मुझे था कि, खैर छोड़ो। तुमने शादी की नताशा? किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको जगाए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले ना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको जगाए, समझ ले ना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ
या ना कहूं, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना। नताशा बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कह ना पाई, और वेद उसने वादा तो निभाया लेकिन अमर अंकल का। वो गया था उस दिन अपनी और नताशा की बात करने, पर अंकल ने कसम के साथ एक वादा ले लिया कि वो लंदन चला जाए, क्योंकि उन्होंने नताशा का रिश्ता किसी रोहन के साथ फिक्स कर दिया है। और वो चला गया ये सोचकर कि किसी तरह नताशा अपने डैड को मना लेगी और वो वापस आ जाएगा। वो वापस तो आया लेकिन शायद देर हो गई। बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना। तो ये था वी टू द स्टोरी टेलर्स का स्टॉन्ग वादा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देना मत भूलें।